आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय यानी आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के अंतर्गत बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के मुख्य अधिकारों एवं कर्तव्यों के संबंध में। इसमें वे भी जानेंगे कि बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी किसे कहते हैं या बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी का क्या तात्पर्य है। साथियों बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को सेटलमेंट ऑफिसर कंसोलिडेशन के नाम से जाना जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SOC कहा जाता है। तो साथियों बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी वह व्यक्ति है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम या तदंतर्गत बने नियमों के अधीन बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए इसी रूप में नियुक्त करती है। तो साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आइए बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के मुख्य अधिकारों एवं कर्तव्यों के संबंध में व्हाइट बोर्ड पर समझते हैं। उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के अधिकार एवं कर्तव्य, ये हमारा भाग 14 का वीडियो यानी चकबंदी से संबंधित 14वां वीडियो है। तो साथियों बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी यानी कि बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी वह व्यक्ति है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम या तदांतर्गत बने नियमों के अधीन बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए इसी रूप में नियुक्त करती है। यह चकबंदी में बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी की परिभाषा है, उसका तात्पर्य है। उसके बाद बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के मुख्य अधिकार एवं कर्तव्य निम्नलिखित हैं। जो बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी है उसके मुख्य अधिकार एवं कर्तव्य निम्नलिखित हैं। तो साथियों आप देखते हैं, नंबर एक है धारा 5 गा के खंड 1 तथा खंड 2 में ज्योत या उसके किसी भाग के अंतरण या आकर्षित प्रयोग के लिए अनुमति प्रदान करना। धारा 5 गा के खंड 1 में है ज्योत या उसके किसी भाग के अंतरण यानी विक्रय की अनुमति प्रदान करना, और धारा 5 गा के खंड 2 में है आकर्षित प्रयोग के लिए अनुमति प्रदान करना। यानी चकबंदी के दौरान यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि पे कोई निर्माण करना चाहता है तो उसकी अनुमति प्रदान की जाती है धारा 5 गा के खंड 2 के अंतर्गत। जो बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी अनुमति प्रदान करता है। उसके बाद नंबर 2 है धारा 11 धारा 9 के अधीन चकबंदी अधिकारी या सहायक चकबंदी अधिकारी आज्ञा के विरुद्ध अपील स्वीकार करना और उसका निस्तारण करना। नंबर 2 है धारा 11 यानी धारा 9 के अधीन चकबंदी अधिकारी या सहायक चकबंदी अधिकारी किसी आज्ञा या कोई आज्ञा पारित करता है उसके विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति अपील योजित करता है, जो क्षुब्ध व्यक्ति है वो अपील योजित करता है बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी उसकी सुनवाई करेगा और उसका निस्तारण करता है। अब नंबर 3 है धारा 12 धारा 12 के अधीन मालगुजारी अवधारित करना। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी धारा 12 के अंतर्गत भूमि की यानी जोत की मालगुजारी अवधारित करता है। अब देखते हैं नंबर 4 है धारा 21 की उपधारा 2 के अंतर्गत धारा 21 की उपधारा 1 के अधीन चकबंदी अधिकारी के आदेश के विरुद्ध की अपील की सुनवाई करता है। यदि कोई व्यक्ति चकबंदी अधिकारी के आदेश से क्षुब्ध है तो वह व्यक्ति धारा 21-2 में बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है और जिसका निस्तारण बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी करता है। उसके बाद देखते हैं नंबर 5 है
धारा 21 की उपधारा 4, धारा 21 की उपधारा 4 में यह प्रावधान है कि बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी प्रारंभिक चकबंदी योजना को चकबंदी अधिकारी या सहायक चकबंदी अधिकारी को वापस कर सकता है। नंबर 5 में है धारा 21 की उपधारा 4 के अंतर्गत बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी प्रारंभिक चकबंदी योजना को चकबंदी अधिकारी या सहायक चकबंदी अधिकारी को वापस कर सकता है। उसके बाद नंबर 6 है धारा 23। धारा 23 में यह प्रावधान है कि बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी प्रारंभिक चकबंदी योजना की पुष्टि करता है, यानी कि नंबर 6 में है धारा 23 के संबंध में बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी प्रारंभिक चकबंदी योजना की पुष्टि करता है। जो प्रारंभिक चकबंदी योजना सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा तैयार की जाती है उसकी पुष्टि बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी धारा 23 के अंतर्गत करता है। अब साथियों नंबर 7 है धारा 24, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी अंतिम चकबंदी योजना को लागू करने व कब्जा परिवर्तन की तिथि निश्चित करता है। नंबर 7 है धारा 24 के संबंध में, धारा 24 में यह प्रावधान है कि बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी अंतिम चकबंदी योजना को लागू करने व कब्जा परिवर्तन की तिथि निश्चित करता है, यानी कि बंदोबस्त अधिकारी अंतिम चकबंदी योजना कब लागू होगी उसकी तिथि निश्चित करता है और कब्जा परिवर्तन कब किया जाएगा उसकी भी तिथि निश्चित करता है। उसके बाद साथियों नंबर 8 है धारा 38 व 39, साक्षियों को अदालत में उपस्थित कराने व अभिलेखों को प्रस्तुत कराने के संबंध में बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को वही अधिकार प्राप्त हैं जो दीवानी न्यायालय को प्राप्त हैं। नंबर 8 है धारा 38 व 39 के संबंध में, साक्षियों को अदालत में उपस्थित कराने व अभिलेखों को प्रस्तुत करने के संबंध में बंदोबस्त अधिकारी को वही अधिकार प्राप्त हैं जो दीवानी न्यायालय को प्राप्त हैं। जिस प्रकार से दीवानी न्यायालय किसी साक्षी को नोटिस भेज सकता है, सम्मन भेज सकता है और कोई अभिलेख उपस्थित कराने के लिए सम्मन भेज सकता है, आदेश दे सकता है, तो जिस प्रकार से दीवानी न्यायालय को साक्ष्य उपस्थित कराने का अधिकार है उसी प्रकार से बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को भी साक्षियों को उपस्थित कराने, अभिलेखों को प्रस्तुत करने का अधिकार है। अब देखते हैं नंबर 9 है धारा 42 का। धारा 42 का में है बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी लिप की गणना संबंधी भूलों को शुद्ध कर सकता है। नंबर 9 धारा 42 का के संबंध में बताया गया है कि बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी लिप की गणना, यदि कोई लिप की भूल हो गई है, गणना में कोई भूल हो गई है, कोई त्रुटि हो गई है तो उसको शुद्ध करता है बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी धारा 42 का के अंतर्गत। आप साथियों देखते हैं नंबर 10 है धारा 44 का, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों के अधिकारों का प्रयोग व कर्तव्यों का पालन कर सकता है। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को यह भी अधिकार है कि वो अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों के अधिकारों और कर्तव्यों का पालन कर सकता है। नंबर 11 है धारा 48(3), बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी किसे मामले या कार्रवाई का अभिलेख धारा 48(1) के अधीन कार्रवाई के लिए चकबंदी अधिकारी को आविदिष्ट कर सकता है। नंबर 11 में है धारा 48(3) के संबंध में, धारा 48(3) में यह प्रावधान है कि बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी किसी मामले या कार्रवाई का अभिलेख धारा 48 की उपधारा 1 के अंतर्गत या अधीन कार्रवाई के लिए चकबंदी अधिकारी को अभिदिष्ट कर सकता है, यानी चकबंदी अधिकारी को भेज सकता है। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 12 है धारा 53। धारा 53 में यह प्रावधान है कि बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी खातेदारों के मध्य चकों के पारस्परिक विनिमय की अनुमति दे सकता है।
धारा 53 में ये प्रावधान है कि बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी खातेदारों के पारस्परिक विनिमय में यानी पारस्परिक विनिमय के लिए अनुमति प्रदान करता है। तो साथियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के अंतर्गत बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के मुख्य अधिकारों एवं कर्तव्यों के संबंध में, और यह भी जाना कि बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी का क्या तात्पर्य है, अर्थात बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी किसे कहते हैं। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग भी इस टॉपिक को पूर्णतया समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कमेंट के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, हमारा पुनः निवेदन है कि जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।